यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अभी जिस ग्रंथ का हम लोग विचार प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है? मांडुक्य उपनिषद। और इस मांडुक्य उपनिषद का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए है कि इसके ऊपर भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान के गुरु गौड़पाद आचार्य उनके द्वारा प्रणीत मांडुक्य कारिका तो ग्रंथ तो बहुत है, ग्रंथ बहुत है, बड़ी बड़ी उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य है और विषय भी बहुत है, उनके शब्द भी बहुत है, अर्थ भी बहुत है, लेकिन भगवान गौड़पाद ने इसी उपनिषद को ही आधार बनाया। जिस गौड़पाद भगवान के द्वारा प्रणीत प्रकरण चतुष्टयात्मक मांडुक्य कारिका के ऊपर भगवान भाष्यकार लिखते हैं, आगे लिखेंगे, वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम। वेदांत बहुत है, 1180 शाखा में है, बड़े बड़े भी है, उसके अर्थ भी बहुत है। वेदांतार्थ सार, वेदांत के जो अर्थ है उस अर्थों में जो सार सार है निचोड़, उस सारों का संग्रह कर दिया किस ग्रंथ में? मांडुक्य कारिका ग्रंथ में। इसलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम। तो वेदांतार्थ सार संग्रह भूत कौन हो गए? गौड़पादीय कारिका, मांडुक्य कारिका, इसमें चार प्रकरण है।
इसका आगे आएगा। तो बहुत उपनिषद है, उपनिषद बड़ी बड़ी भी है, फिर भी इसको आधार जो बनाया और सभी संग्रह कर दिया सारों का, उपनिषद के अर्थों का, तो इसका मतलब कोई ना कोई रहस्य तो इसमें है, इस मांडू के उपनिषद में। तो जमराज को जब अंतिम प्रश्न पूछा नचिकेता ने कठोपनिषद में कि भी आप उसी तत्व को बतलाओ, इधर उधर का ना बतलाओ, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, ये जो भूता जब यत पश्यसि तद बद, जो धर्माधर्म से रही धर्माधर्म के फल से भी रहित है, जिसका संबंध भी नहीं है, धर्माधर्म का भी संबंध नहीं है, धर्माधर्म के फलों का भी, कार्यकारण से रहित है, काल से अपरिछिन्न है, ऐसा तत्व का बतलाओ, ऐसा कहा उसने। तो क्या कहा जमराज ने, ओ मित्येता सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, ऐसा कहा वहाँ पर, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, वो ओमकार के कहा। तो इसमें बड़ी विलक्षणता है मांडू के उपनिषद में, जिसको भगवान गौड़पाद ने आधार बनाया, कि व्यवहार में हम देखते हैं कि अर्थ पहले है बाद में उसका नाम है, ऐसा हम देखते हैं समझते हैं, ठीक है ना। पुत्र होता है उसके बाद पुत्र का नामकरण होता है, घट बनता है फिर उसका घट बोलते हो, लेकिन शास्त्रीय पद्धति में ऐसा नहीं है, शास्त्रीय पद्धति में ऐसा नहीं है। शास्त्रीय पद्धति में क्या है, शब्द पहले है अर्थ बाद में, शब्द नाम, नाम जो अभिधान है वाचक भी कहेंगे उसको, वो पहले है, और अर्थ जो अभिधेय है रूप, वो बाद में है। अभिधेय रूप अर्थ ये सब पर्यायवाचक होते हैं, नाम अभिधान वाचक ये सब पर्यायवाचक। ना कश्चित प्रत्यलोके यह शब्दानुगमान रीते, भर्तृहरि लिखते हैं वाक्य पद में, व्याकरण में एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है वाक्यपदी, बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है, बहुत सारगर्भित ग्रंथ है वाक्यपदी। सभी अर्थों में शब्द पहले अनुसूत है, शब्द पहले कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं। आप जैसे चित्र वगैरह देखते हो, चित्र भगवान का चित्र देखते हो, है ना, गणेश जी का चित्र देखते हो, जिसने चित्र बनाया वो कैसे बनाया होगा, वो किस आधार पर बनाया होगा, वो शब्द के आधार पर बनाया। जो ध्यान श्लोक है ना, गजाननम, इस प्रकार जो श्लोक है भगवान विष्णु का बना दिया, शांताकारम भुजग सजनम, महादेव का बना दिया, कर्पूर गुरम करुणावतारम संसार सार, है कि नहीं। ये ध्यान श्लोक के आधार पर, ध्यान श्लोक को नहीं समझा अर्थ को तो दूसरे से पूछता है चित्रकार, तो इसका मतलब क्या हुआ, शब्द से आगे अर्थ है, शब्द पहले है अर्थ बाद में है। और आप शास्त्र को भी देखोगे, आप भगवान ने जो जगत को बनाया, ब्रह्मा जी ने भी जगत को बनाया, कैसे बनाया, शब्द से, भू कह दिया तो भू की उत्पत्ति होगी, भूवश व्यारती बोलते हैं ना, शब्द से। पहले भी आपको आपको उन्होंने बताया,
कई बार बताया हूँ, कुमार बाल्ट ने क्या कह दिया, इसके अंदर घड़े के अंदर सर्प है, तो सर्प हो गया है नहीं, सर्प बोल दिया, माँ पुष्प सर्प था लेकिन क्या बोल दिया, पुष्प है, पुष्प कहने से पुष्प हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सर्प पहले है और था बाद में। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि साधक जिस तत्व को प्राप्त करना चाहता है वो अनाम और अरूप है, जानना अनाम और अरूप है ना, वो नाम है ना रूप है, नाम रूप से रहित है ना, ये तो कहे ना हम जमराज कहते नाम रूप से रहित हो है, लेकिन हमारे पास जो जानने का साधन है मन वाणी इत्यादि साधन है, वो किसको विषय करता है, नाम रूप को विषय करता है, नाम रूप को विषय करता है ना, और जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो नाम रूप से रहित है। दो उपाधि लगी है ना, एक नाम रूपी उपाधि, एक रूप की उपाधि है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया है मंडल की, मैं आप सुनेंगे तो अविधान अविधेय भाव, ये विचार है यहाँ पर, अविधान अविधेय भाव, संसार कैसा है, ये अविधान अविधेय भाव है संसार में है, ये दो उपाधि है रूप और नाम। तो दो उपाधि को हटाएंगे, दो उपाधि को हटाएंगे तो पहले नाम को हटाओगे कि रूप को हटाओगे, तो कहते हैं पहले रूप को हटाओ, पहले रूप को हटाओ, क्योंकि नाम और रूप में कार्यकारण भाव है, नाम और रूप में क्या है, कार्यकारण भाव है, और वो जो परब्रह्म है कार्यकारण भाव से रहित है, वो ना वो कारण है ना कोई कार्य है, वो धन्य के लिए आजाद बात है ना, मौका अधिकारी के लिए आजाद बात है, ये मांडू के मामले सुनेंगे, तो ब्रह्म ना कारण है ना कार्य है, लेकिन अनादिकाल से हमारे चित्त में क्या बैठा है, कौन सा संस्कार बैठा है, कार्यकारण भाव का संस्कार है, घट कारण है मिट्टी, कार्य है धर्म है कि नहीं, तो ये है संस्कार, इसको भी हटाना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म ना कारण है ना कार्य है, और हमारे चित्त में क्या बैठा है, भाई कोई वस्तु हो कार्य होगा, तो हमारे चित्त में ही बैठा है संस्कार, हर कोई वस्तु कार्य होगा नहीं तो क्या होगा, कारण होगा, कार्य कारण से रहित कोई है ही नहीं तो बंध्या पुत्र होगा वो तो बंध्या पुत्र की तरह हो जाएगा, जो कार्य ना हो कारण ना हो असत हो जाएगा, वो असत वस्तु तो हो ही नहीं सकती है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर ये भी प्रक्रिया आएगी, कार्यकारण भाव का विचार होगा, रूप जो होता है कार्य, कारण होता है नाम, यहाँ पर प्रक्रिया है ना, ये पहला प्रतिबंधक जो रूप, रूप ज़्यादा खतरनाक होता है, रूप खतरनाक होता है, जानेंगे, अरे किसी को एक बार देख लिया आपने, उसका नाम पूछ लिया, बात खत्म, उसकी पूरे उसकी फोटो रखने की क्या जरूरत है मोबाइल में फोटो रखने की क्या जरूरत है, वो फोटो बना करके दीवार में टांगने की क्या आवश्यकता है, इसका मतलब कौन ज़्यादा आकर्षक हो रहा है, रूप, इसका जो रूप है वो ज़्यादा आकर्षक है। और यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, रूप को पहले हटाओ तुम, जानना कि रूप को पहले हटाओ वो तो हम गए थे वो स्वामी जी के साथ में, तो एक भगत जो फोटो ले रहा था, ए भगत क्या करेगा तू, फोटो बंद करो, तू भजन करो भगवान, ये चित्र को लेकर क्या करेगा तू तो रूप ज़्यादा आकर्षक होता है, तो रूप को हटाएंगे हम, कैसे हटाएंगे, नाम से रूप भिन्न है ही नहीं, रूप जो होता है अविधेय, घट हो गया अविधेय, जो देख रहे हो घट को,
कौमुद्री बाद गोल मोटोल आकार वाला जो है वो घट वस्तु है, रूप है, वो घट नाम से भिन्न है। वाचारम्भणम विकार नाम अदय मृत्तिकायते वो सत्यम का जन्मे कि नहीं, इसका मतलब रूप नाम से भिन्न है ही नहीं। जितने भी घटपटादि अविधेय है वो अपने अभिधान जो वाचक है घटपटादि नाम जो सुन रहे हो उससे भिन्न है ही नहीं। मतलब क्या हुआ, रूप दिखने पर भी रूप है मिथ्या, वो अपने नाम से भिन्न है ही नहीं। तन्ने जितने भी जो नाम है अभिधान वाचक वो ओंकार से भिन्न है ही नहीं, ये यहाँ पर आएगी ओम इति तत् कहेंगे तस्य उपाख्यान है ना, उसका ही सारा का सारा विस्तार है। तो ये यहाँ पर कहा जाएगा ओंकार तक पहुँचेंगे है ना, ओ ओम करके उसके वाच्य को समझेंगे, उनके वाच्य विशिष्ट है धर्म, फिर उसके द्वारा उसका जो अधिष्ठान जो तुरीय ब्रह्म है तुरीय ब्रह्म तक पहुंचाना है। इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया है अभिधान अविधेय भाव का, भाव की प्रक्रिया यहाँ पर अभिधान अविधेय भाव, और इसके साथ साथ क्या हुआ अवस्थात्रय का परीक्षण, अवस्थात्रय का परीक्षण हो रहा है। अवस्था तो सब में है ही, प्रत्येक दिन अवस्था हो रही, देखो जागृत अवस्था सपना अवस्था सुषुप्ति अवस्था, लेकिन हम लोग कहाँ परीक्षण कर रहे हैं इसका विचार ही नहीं कर रहे हैं। ये जागृत सपना सुषुप्ति अवस्था किसकी है, इसमें सत्य कौन है मिथ्या कौन है यानी विचार ही हम नहीं करते। जागृत सत्य है कि स्वप्न सत्य है धर्म है, ये विचार हम करते नहीं। कौन सत्य है, जागरण सत्य है कि स्वप्न सत्य है, कौन सत्य धर्म है। तो स्वप्न जैसे मिथ्या है जागृत भी मिथ्या है, ये निश्चय क्यों नहीं हो रहा है, समझ में तो आ रहा है शास्त्र, इसका मतलब हम विचार नहीं करते हैं। विचार यदि अभी तक किए होते ठीक ठीक से धर्म है, तो जागृत का पदार्थ आकर्षित नहीं करता हमको, तो जागृत का पदार्थ हमको आकर्षित क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि हमको जागृत पदार्थ में मिथ्यात्व का निश्चय है ही नहीं। और मिथ्यात्व का निश्चय इसलिए नहीं है जैसा विचार करना चाहिए, ऐसा विचार हम नहीं कर रहे, सुन तो रहे विचार हम नहीं करते, निरंतर विचार करना पड़ेगा, लक्ष्यों को निर्धारित करके करना पड़ेगा। इसके बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है, जब तक ऐसी महत्व बुद्धि नहीं होगी विचारों के साधन में तब तक आप ऐसा विचार नहीं कर सकता। मैं समझ लिया और क्या रखा इसमें, ऐसा लोग कहते कि नहीं समझ लिया सब जागृत मिथ्या है धर्म के लिए सपनों की तरह है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अवस्था तरह का परीक्षण हो रहा है, जागृत अवस्था सपना अवस्था सुषुप्ति अवस्था ये शरीर की होती है, उपाधि की होती है धर्म है ना। और उपाधि में जो अभिमान करता है विशिष्ट जीव चिदाभास जो जीव है धर्म है ना, उसकी है ये, हम तो उसके साक्षी अधिष्ठान हैं, मेरे में सब कल्पित है, मेरे में जागरण स्वप्न सुषुप्ति अवस्था अवस्था वाला अवस्था का धर्म ये सब कल्पित है। ऐसे कल्पित है जैसे पर्दे में चित्र कल्पित है ना, रज्जु में जैसे सर्प कल्पित है, मैं तो इसका अधिष्ठान ब्रह्म है ना। इसलिए जो तीन अवस्था है, अवस्था का अभिमानी है कह लो, वो क्या है साधन है, विचार जब करेंगे तब साधन बनेगा धर्म है ना। इसलिए तीन ये क्या है साधन है, साधन साधन, इसलिए इसको कहते हैं
जागृत अवस्था वाला, सपना अवस्था वाला, सुषुप्त और विश्व तेजस प्राज्ञ, जन्मे न। और विश्व नर क्या बोलते हैं, सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ को, आ उधर क्या कहो भाई, ईश्वर कह लो, नहीं नहीं सुषुप्ति में ईश्वर कह लो, वृष्टि में प्राज्ञ, समष्टि में ईश्वर। ये जो विशिष्ट है ये हो गया साधन, विचार करेंगे तो ये साधन होगा। किसका साधन होगा, बोलते तुरीय ब्रह्म का। तुरीय ब्रह्म जो कुटस्थ ब्रह्म है वो है साध्य, प्राप्त करने योग्य होने से साध्य, उसको भी पार शब्द इसका आ जाएगा। फिर अयम आत्मा चतुष्पा, ये जो आत्मा है ये चार पाद है, चार पाद वाला आत्मा है। एक पाद वाला जो हो गया सूर्य ब्रह्म स्वरूप हो गया, अधिष्ठान स्वरूप हो गया। और तीन पाद क्या है, साधन है, विश्व तेजस प्राज्ञ जो है ये साधन है, इसलिए अयम आत्मा चतुष्पाद। इसलिए पाद शब्द का प्रयोग दोनों में हो रहा है, साधन में भी हो रहा है, साध्य में भी हो रहा है। इसलिए एक पाद का अर्थ साधन कर देंगे, पद्यते प्राप्यते गम्यते ये न इति पाद, तो पाद का अर्थ हो गया साधन हो जाएगा। धन्यवाद। व्याकरण के अनुसार पद गतो धातु से कर्म, ये करण अर्थ में कह करने पर पाद शब्द होगा, तो पाद का अर्थ हो गया प्राप्त करने का साधन। और पद्यते गम्यते प्राप्यते असो इति पाद कर देंगे, तो कर्म में घ प्रत्यय कर देंगे पद धातु से, तो पाद शब्द का अर्थ हो गया प्राप्तव्य ज्ञातव्य, ये हो जाएगा तुरीय ब्रह्म हो जाएगा, है ना। जैसे पुरुष सूक्त में कहा गया है, जो है वो क्या अभी उपादानी क्या है पाद, हाँ देवी, हाँ वही है त्रिपाद से अमृतम देवी, ऐसा कहा, वो तीन पाद अमृत स्वरूप है वो। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तीन पाद साधन है, एक पाद अधिष्ठान स्वरूप है, तो एक ही बात हो गई, ये तो कल्पना केवल मात्र है। मतलब अधिष्ठान एक स्वरूप होता है, वही प्राप्त करने योग्य है, यही प्रक्रिया हो गई। देखो अन्यत्र भी यही प्रक्रिया है, अध्यारोपादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये अध्यारोप होता है, अभिधान अविधेय भाव जो होता है ये अध्यारोप होता है, जानना है। और अध्यारोप इसलिए होता है अपवाद करने के लिए, जो अध्यारोपित तो हुआ अभिधान अविधेय भाव, अभिधान भी आरोपित अविधेय भी आरोपित है ना, इसका जब अपवाद कर देंगे तो अधिष्ठान अंश शेष रहेगा, है ना, वही ब्रह्म है। उसको यहाँ पर तुरीय, तुरीय मतलब चौथा, विश्व तेजस प्राज्ञ हो गया तीन, इसकी अपेक्षा से अधिष्ठान हो गया चौथा तुरीय, चतुर्नाम पूर्णम यदि तुरीयम, है ना। तो यहाँ पर प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा हाँ जी, क्या क्या, हाँ जी, हाँ नाम कारण है ना, रूप कार्य है, नाम कारण है उसका, है ना। तो इसलिए क्या होगा, कारण से कार्य भिन्न नहीं है, धर्म के लिए यही यहाँ पर प्रक्रिया। जो भी कार्य दिखता है रूप मतलब अभिधेय, वो अपने वाचक से भिन्न है ही नहीं, जैसे घट जो पदार्थ है वो घट नाम से भिन्न है ही नहीं, ये प्रक्रिया शब्द है, शब्द से अर्थ है ना, क्या बुद्धि यहाँ पर प्रक्रिया बैठानी है बुद्धि में, कि शब्द पहले है और अर्थ बाद में, अर्थ मतलब अभिधेय है ना, वाच्य ब्रह्म नहीं, ब्रह्म अर्थ नहीं होता है। ब्रह्म तो नाम रूप से रहित है,
ना अभिधान है ना अभिधेय है, क्योंकि शब्द की शब्द का संबंध वहाँ पर है ही नहीं। अरे जो जिससे शब्द प्रकाशित होता है, शब्द उसको कैसे प्रकाशित करेगा वो धर्म ने, जिससे नाम भी प्रकाशित होता है, जिससे रूप भी प्रकाशित होता है, वो कैसे प्रकाशित करेगा शब्द उसको, है कि नहीं। इसलिए वो नाम रूप से रहित है। अनुभक्ति करो, देख लो, कोई भी नाम ले लो, उसका प्रकाश किससे हो रहा है? आपके स्वरूप से हो रहा है। ऐसे नहीं कि आत्मा का प्रकाश वो शब्द से हो रहा है, जिसमें कोई शब्द नहीं है फिर भी आपके स्वरूप का भान हो रहा है, धन्य कि नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको देवदत्त बोलने से आपको भान होगा, मैं देवदत्त हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। इसलिए नाम रूप से वो स्वरूप अलग है, ठीक है ना भाई? इसका विचार फिर कौन से करेंगे, ऐसा ही चलेगा। 6:30 से मांडो को चलेगी, आप तो जल्दी बंद कर रहा हूँ, खर्चे पर टाइम बढ़ा भी सकते हैं, फिर उसके बाद 82 में हमारा चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अभी 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 तुरंत।